वेलकम टू जीके विद करंट अफेयर्स। आज है 26 अगस्त 2022। 26 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस व्यू में देखेंगे तथा हम उन्हें डिस्कस भी करेंगे और प्रत्येक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। लिबर्टी मेडल 2022 यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को प्रदान किया गया है। उन्हें अक्टूबर 2022 में एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। लिबर्टी मेडल जो 1998 से स्थापित किया गया था वह उन लोगों को दिया जाता है जो दुनिया भर के लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है? तो भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 प्रेसिडेंसी का आयोजन करेगा और 2023 में 18 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। यह प्रेसिडेंसी भारत के लिए अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का पहला अवसर है क्योंकि अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा। भारत द्वारा होस्ट किया गया, इससे पहले भारत ने 1983 में NAM और CHOGM शिखर सम्मेलन, 2015 में IAFS और 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। G20 की सदस्यता वाले लोग या देश, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, UK, US और यूरोपीय संघ आदि देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के फरीदाबाद में भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल का उद्घाटन किसने किया है? तो PM नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है जिसका नाम अमृत अस्पताल है रखा गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में 130 एकड़ में फैले अत्याधुनिक अमृता अस्पताल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई सुविधा आधुनिकता और आध्यात्मिकता का मिश्रण है और ज़रूरतमंद मरीजों के लिए सुलभ और किफ़ायती इलाज का माध्यम बन जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है? तो आंसर सी, ऑस्ट्रेलिया के साथ घोषणा की है। हाल ही में किस शहर में राजस्थान के पहले सुव्यवस्थित मोटर बाजार का उद्घाटन किया गया है? तो कोटा में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभांकर सेरू का अनावरण किसने या किसके द्वारा किया गया है? तो अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट, बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए बैंकों ने बड़ी राशि और बाले ऋणों को मंजूरी देने से पहले किससे उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी लेने के लिए 20 सूत्रीय मानक प्रारूप तैयार किया है? तो इसका सही जवाब है आर्थिक खुफिया ब्यूरो के द्वारा यह मानक तैयार किया गया है। नेक्स्ट, पद्म विभूषण स्वर्गीय अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों के संकलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इस पुस्तक का विमोचन M. वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है?
तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आज से आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत की पहली समग्र शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली समग्र शूटिंग रेंज का उद्घाटन INS कर्ण पर किया गया है। शूटिंग रेंज को उन्नत लक्ष्य प्रणालियों से लैस किया गया है, जिससे संबंधित नियंत्रण सॉफ्टवेयर है, ताकि कर्मियों को उनके फायरिंग कौशल में सुधार करने में भी मदद मिल सके। भारतीय नौसेना पोत INS कर्ण भारतीय विशेष अभियान बलों मार्कोस या समुद्री कमांडो के लिए एक समर्पित पोत है। भारतीय जनता पार्टी के यूपी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारतीय जनता पार्टी के यूपी अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। वह उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य और विधानसभा परिषद के भी सदस्य हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिमी यूपी के जाट समुदाय से हैं और कथित तौर पर उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए जाट वोटों को मजबूत करने के लिए नियुक्त किया गया है। हाल ही में टाटा न्यू ने किस बैंक के साथ ज़्यादा रिकॉर्ड देने वाले को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की साझेदारी की घोषणा की है? तो HDFC बैंक के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। किस विमानन कंपनी ने हाल ही में मुंबई और आबूधाबी के बीच 1 अक्टूबर से दैनिक उड़ानें संचालित करने की बुधवार को घोषणा की है? तो विस्तारा। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NII के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। 29 अगस्त से देश में पहली बार ग्रामवासियों के लिए राजस्थान में आयोजित होने वाला राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभांकर क्या है? तो इसका शुभांकर शेरू है। अब जान लेते हैं कुछ और शुभांकर के बारे में। शीतकालीन ओलंपिक खेल का शुभांकर बिग डेविन डेविन है। शीतकालीन पैरा ओलंपिक गेम 2022 के सुए रोन रोन एशियाई खेलों के स्मार्ट ट्रिपलेट के रूप में कॉन्ग कॉन्ग लियन लिन व चेन चेन, एशियाई पैरा खेलों के लिए फेई फेई, राष्ट्रीय खेलों के लिए रूबी गुला, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए मराइतोवा, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों के लिए सोमाइती और दक्षिण एशियाई खेलों के लिए चिंकारा और 2022 के फीका विश्व कप के लिए सफ़ेद अरबी सॉल, ये आधे शुभांकर हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन के आंसर। हाल ही में रेलवे का पहला चल मीठे पानी का सुरंग मछलीघर कहाँ खोला गया? तो बेंगलुरु में। हाल ही में किस मेट्रो कॉरपोरेशन ने UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग लॉन्च की है? तो DMRC ने, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी को नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया है। अब क्वेश्चन आपके लिए, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन 1 से इसमें 3 क्वेश्चन होंगे। जो कि इस प्रकार, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों ने 55 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 2, नौवीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक अगस्त 2022 में किस शहर में आयोजित की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का सम्मान किसे दिया गया? तो दोस्तों, इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।